हे वेलकम बैक टू वाइस एकेडमी दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता और आज मैं इग्नू वाले बच्चों के लिए बात करने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे रिक्वेस्ट आई कि सर आप इग्नू के बारे में अपडेट दीजिए कि इग्नू क्या चाहता है, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, असाइनमेंट का क्या अपडेट है, एडमिशन का क्या अपडेट है। तो आज मैं उन सारे बच्चों के रिक्वेस्ट पे, उनके मैसेजेस पे मैंने इग्नू के बारे में देखा, उस पर रिसर्च की थोड़ी सी, और मेरे को ये पता लगा कि इग्नू का एक अपडेट आया है जिसमें उसने बताया है कि असाइनमेंट, आपके एग्जाम और आपके एडमिशन, इसके लिए अभी इग्नू आपसे क्या चाह रहा है या क्या कहना चाहता है। तो इसके बारे में एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि अगर आपने असाइनमेंट, एग्जाम या आपके एडमिशन का कोई भी क्वेरी है तो वो क्या है, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि इग्नू की तरफ से क्या अपडेट आया है। हाल ही में इग्नू की तरफ से एक लाइव वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि आपके एग्जाम और आपके असाइनमेंट, एडमिशन के ऊपर क्या अपडेट है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, तो आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं, जो कि आधे घंटे का वीडियो है, या फिर शॉर्ट में यही समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा असाइनमेंट के बारे में, इग्नू ने असाइनमेंट के बारे में क्या कहा है। यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो ये कि आपने या तो अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं किया है, दूसरी है कि आपने असाइनमेंट जमा तो कर दिया है लेकिन उसकी रिसीविंग आपको नहीं मिली है या उसकी रिसिप्ट आपको नहीं मिली है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि अगर आपने इग्नू में असाइनमेंट जमा नहीं किया है तो एक अच्छी खबर ये है, 15 जून लास्ट डेट थी लेकिन जो अब एक्सटेंड होके 30 जून हो गई है, यानी कि अब आपको असाइनमेंट बनाने के लिए अगर आपने अभी तक नहीं बनाया था तो 30 जून की आपकी लास्ट डेट है, 30 जून तक आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ये तो नहीं पहली बात। अब बात करते हैं कि अगर आपने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया था तो उसकी रिसिप्ट कहाँ है, वो नहीं मिली आपको, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको अपना मोबाइल उठाना है। मोबाइल पे आपको क्या करना है, सिंपल आपको अपना जीमेल खोलना है, उसके बाद वहाँ पे ये लेफ्ट कॉर्नर पे जो ये 3 लाइंस आ रही है इस पे और जाने के बाद आपको ये सेंड वाला जो ऑप्शन मिलता है, सेंड पे जाना है और आपने इग्नू में जहाँ पे जो अपने असाइनमेंट सेंड किए थे उस मैसेज को ओपन करके उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। तो दोस्तों ये जो स्क्रीनशॉट है आपका, यही आपके रिसिप्ट है। टाइम आने पर इग्नू आपसे यही मांगेगा, तो इसको आप संभाल के रखना, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो आपने सेंड किया था मैसेज, यही आपके रिसिप्ट है। इग्नू ने साफ कहा है कि ये आपके रिसिप्ट है, टाइम आने पर अगर जरूरत पड़ी तो आपसे यही मांगा जाएगा और यही आपसे देखा जाएगा, पूछा जाएगा। तो असाइनमेंट की बात क्लियर हो गई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एग्जाम के बारे में, इग्नू ने एग्जाम के बारे में क्या बात बोली है। तो एग्जाम को लेकर इग्नू ने ये बोला है कि जब तक ये लॉकडाउन में या फिर ये जो कोरोना वायरस का जो पंगा चल रहा है, ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे। इग्नू ने साफ बोला है जब तक कंडीशन नॉर्मल नहीं हो जाती या जब लोग नॉर्मली घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे तब तक एग्जाम नहीं होंगे। फर्क नहीं पड़ता जुलाई, अगस्त, सितंबर, फर्क नहीं पड़ता। इग्नू ने साफ बोला है कि आपके एग्जाम तब तक नहीं होंगे जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है या अंडर कंट्रोल नहीं हो जाती है। अभी दिल्ली में आपको पता है कि एकदम से कितने केस बढ़ने लग गए हैं कोरोना वायरस के, तो ये केसेस को ध्यान में रखते हुए इग्नू ने साफ मना कर दिया है कि अभी आपके कोई एग्जाम नहीं होंगे तब तक, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती, जब तक स्टूडेंट अपने घर से नॉर्मली आराम से बाहर नहीं निकल सकते, उनकी सेहत को या उनको वायरस होने का खतरा ना हो, तब तक इग्नू आपके एग्जाम नहीं लेगा। और जब भी इग्नू आपके एग्जाम लेगा तो उससे पहले 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, यानी कि 15 दिन पहले इग्नू ये अपडेट दे देगा कि आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो अभी आप टेंशन फ्री हो जाइए कि एग्जाम कब होंगे या अभी जुलाई में होने वाले हैं। देखो दोस्तों कुछ पक्का नहीं है, जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं होगी, जब तक ये कोरोना वायरस का पंगा खत्म नहीं होगा, इग्नू एग्जाम नहीं लेगा, उसने साफ मना कर दिया है। तो एग्जाम की टेंशन अब आपकी खत्म हो जानी चाहिए कि एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे। अभी यहाँ पे ना तो इग्नू ने ये बताया कि ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऑनलाइन की तो इग्नू ने बात ही नहीं की है। दूसरी बात ये कि ऑफलाइन की ही अगर वह एग्जाम लेगा तो ऑफलाइन ही लेगा जहां तक अभी समझ आ रहा है, क्योंकि इग्नू ने साफ बोला है कि जब तक बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे तब तक हम एग्जाम कैसे ले सकते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा लेकिन जब तक ये कोरोना वायरस का पंगा है एग्जाम नहीं होगा। तो यहाँ पे आप टेंशन फ्री रहें कि एग्जाम कब है और कब नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एडमिशन के बारे में, और अब तक अगर आप वीडियो में बने हुए तो एक लाइक तो बनता है यार। तो अब मैं बात करूंगा एडमिशन के बारे में। तो सबसे पहली बात यह कि जो बच्चे बीए में या जो अंडर ग्रेजुएट है, तो जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट है और वो फाइनल ईयर में है,
तो एमए फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन के फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, एडमिशन के लिए इग्नू ने ये बोला है कि अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो आप एमए फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपने हालांकि अभी आपने एग्जाम नहीं दिए हैं, लेकिन एग्जाम से पहले ही आप एमए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इग्नू ऐसा करता है, एग्जाम से पहले ही नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन ले लेता है, आपसे फीस ले लेता है। तो यहाँ पे इग्नू ने ये भी साफ किया है कि अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आप एडमिशन एमए में, एमए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए जब आपके एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद आपके एमए की क्लास शुरू हो जाएगी। तो ये एडमिशन का जो प्रोसीजर था वो भी यहाँ पे बता दिया। तो दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी, और मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। नेक्स्ट अपडेट बहुत जल्दी आने वाला है, कब किस तरीके से इग्नू क्या अपडेट दे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दे दूंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लेना। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।